यार पानी एक ऐसा चीज होता है, इसमें कुछ भी डालो या इसके अंदर कुछ भी आ जाए तो वो भीग जाता है। वो नोट हो या पेपर हो या हो कोई भी रुमाल कपड़ा जो भी है वो भीग जाता है। यस, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप पानी के अंदर रुमाल भी रख सकते हो, नोट भी रख सकते हो, पेपर भी रख सकते हो, कुछ भी रखो यार, लेकिन वो नहीं भीगने वाला। तो यार चलो लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग पानी से हैरान करने वाला जादू सिखाऊंगा। So, यार आज मैं आपको जो ट्रिक सिखाने वाला हूं ये काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग चैलेंज भी है। चाहो तो आप इस तरह का वाटर चैलेंज कर सकते हो किसी के साथ। तो देख सकते हो मेरे पास है पानी यानी कि वाटर और मेरे पास है हैंकी यानी कि रुमाल। अभी अगर मैं आपको सवाल करूं कि इस रुमाल को आप क्या पानी के अंदर ले जा सकते हो, यार ये कौन सा सवाल है, ये तो इजीली हो सकता है। बट गाइस अगर मैं आपको कहूं कि रुमाल पानी के अंदर जाना तो चाहिए लेकिन जब बाहर आएगा तब सूखा हुआ आना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रुमाल जब भी पानी के अंदर जाता है या कुछ भी चीज पानी के अंदर चला जाता है तो वो भीग जाता है। लेकिन एक्चुअली गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप रुमाल को पानी के अंदर क्या आप कागज को भी ले जा सकते हो, कॉइन को भी ले जा सकते हो, नोट को भी ले जा सकते हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं भीगने वाला। वो कैसे? तो यार देखो मैं शुरू कर रहा हूं आज का ये ट्रिक। तो मेरे पास एक गिलास, अगर मैं आपको बताऊं कि गिलास के माध्यम से आप रुमाल को किस तरीके से भिगाने से बचा सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों को यह शायद पता हो सकता है क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रिक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में ये रुमाल भीगता है या नहीं। तो हम क्या करके रुमाल को सबसे पहले इस गिलास के अंदर डाल देंगे। तो यार देख सकते हो मैंने गिलास के अंदर रुमाल को डाल दिया है और अब इस गिलास को हम क्या करेंगे पानी के अंदर लेके जाएंगे। तो जस्ट 1, 2 एंड 3, तो इस गिलास के साथ साथ मैंने रुमाल को भी पानी के अंदर डाल दिया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये गिलास पानी के बिल्कुल अंदर है, ठीक है। तो देख सकते हो यार मैंने बहुत टाइम तक इस रुमाल को और गिलास को पानी के अंदर रखा है और इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है। देख सकते हो मैंने पानी के अंदर रखा है और अगर अभी मैं इसको उठा के चेक करूं क्या किसी तरीके से रुमाल में कोई पानी टच हुआ या नहीं, तो एक्चुअली देख सकते हो मेरे हाथ में थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। तो चलो इसका छोड़ देते हैं और देखते हैं रुमाल भीगा हुआ है या सूखा हुआ है। तो यार देख सकते हो रुमाल बिल्कुल भी नहीं भीगा है, सूखा हुआ है। अब हम ट्राई करेंगे पेपर के साथ। तो मेरे पास एक पेपर है जिसमें थोड़ा बहुत पानी का बूंद लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे इस पेपर को हम इस हाथ से मोड़ लेंगे और सूखा हुआ पेपर को हम डालेंगे इस गिलास के अंदर। ओके जस्ट देख सकते हो वॉच। और अभी हम देखते हैं पेपर के साथ क्या होता है। तो जब भी थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल देते हैं ओके, और जब भी हम इस तरीके से पानी के अंदर पेपर को डालते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं और देखते हैं एक्चुअली में क्या होता है। तो यार आप देख सकते हो ग्लास जो है पानी के अंदर है और जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो शायद कम से कम 5-7 सेकेंड तो पर हो ही चुका होगा ना। तो चलो यार आप देखते हैं पेपर में किसी का कोई पानी का टच हुआ है या नहीं। तो यार आप अगर फॉलो करेंगे तो देख सकते हो यार हमारा जो पेपर है वो अभी भी सूखा हुआ है। और हम हाथ को थोड़ा सा पोंछ के आपको दिखा देते हैं, ये देखो यार अभी भी हमारा पेपर बिल्कुल सूखा हुआ है। वाओ दिस इज अमेजिंग, है ना गाइस। तो पानी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो छुपा कर लेकिन वो नहीं भीगेगा। ये कैसे होता है? देखिए जब भी हम किसी चीज को यानी कि रुमाल हो, कॉइन हो, नोट हो, पेपर हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको ग्लास के अंदर डालते हैं और फिर जब हम ग्लास को उल्टा करके पानी के अंदर डालते हैं तो वो जो पानी है वो ग्लास के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारा रुमाल है ऊपर में और ये जो खाली पोजीशन होता है इसमें होता है हवा यानी कि एयर, ठीक है। और जब हम ग्लास को पूरा सीधा डालते हैं तो इसके अंदर जो हवा होता है वो बाहर नहीं आ पाता है और जिसके कारण की वजह से हमारा पानी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर हवा है। जब तक हवा बाहर नहीं आएगा तब तक पानी अंदर नहीं जा सकता। तो अभी इसमें है हवा और जब भी हम इस तरीके से एक साथ पानी के अंदर गिलास को डालते हैं तो हवा बाहर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पानी गिलास के अंदर नहीं जा पाता है और एक्चुअली हमारा रुमाल बिल्कुल सूखा होता है। तो यार ऐसे होता है ये ट्रिक। और अगर हम इस गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा करके डालें तो क्या होगा? देखिए ये मैंने सीधा कर दिया और अभी थोड़ा सा मैं अगर टेढ़ा कर दूंगा तो इसके अंदर जो हवा है वो बुलबुली के साथ बाहर आ जाएगा। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, हमारा रुमाल भीग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर की तरफ पानी गया था, अगर मैं थोड़ा टेढ़ा करके डालता हूँ, इस बार टेढ़ा करके अगर मैं डालूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर जाता है
और रुमाल का थोड़ा सा हिस्सा भीग जाता है, देखिए ये इसमें पानी आ गया। और अगर मैं पूरा टेढ़ा करके डालूं तो यार देख सकते हो इसमें पानी आ जाता है और ये हमारा जो रुमाल है वो भीग जाता है। तो यार देख सकते हो रुमाल बिल्कुल भीग चुका है। तो अगर आप गिलास को सीधा करके स्ट्रेटली पानी के अंदर लेके जाएंगे, जितना भी पानी हो उसमें रुमाल हो, नोट हो, पेपर हो, जो भी आप डालेंगे वो कभी भी नहीं भीगेगा। तो आशा करते हैं यार कि आज का ये ट्रिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा यार एक लाइक के साथ कंप्लीट करना और साथ में कमेंट कर देना आपको कैसा लगा। और साथ में ऐसे बहुत सारे मैंने वाटर मैजिक यानी कि पानी के साथ जादू आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन यानी कि एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।